हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ रियलमी कंपनी के 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी के बारे में। इस एलईडी टीवी की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ इस टीवी की अनबॉक्सिंग, इसकी इनिशियल सेटअप, इसके फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊँगा और मैं बताऊँगा इसका कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एंड्रॉयड टीवी है और इसमें हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट। और इसकी स्क्रीन साइज़ है 32 इंच की, विच इज़ 80 सेंटीमीटर। और ये एक 3-स्टार एलईडी टीवी है और इसमें हमें मिलता है नेटफ्लिक्स एंड डॉल्बी ऑडियो एंड क्रोमकास्ट बिल्ट इन है। और यह है इसकी साइड व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। इसमें हमें मिलता है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो और इसमें दिया गया है गूगल प्ले ऐप, जिससे आप अदर रिक्वायर्ड ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स दी गई है। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 12,999 रुपीज़ और इसे आप ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर दिस एलईडी इज 100 to 240 वोल्ट्स एंड इसका वाटेज कंजम्पशन है 45 वाट्स का। एलईडी की डायमेंशन भी यहाँ पर दी गई है और इसकी नेट वेट है 4 kg की। इस एलईडी टीवी की सारी डिटेल्स को जाने के बाद आइए अब इसे क्विकली करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई है। और सबसे पहले हमें दिखता है इसका टीवी स्टैंड, जिसे फिक्स करके आप इस एलईडी टीवी को टेबल टॉप पर रखकर यूज़ कर सकते हैं। ये है लेफ्ट एंड राइट, दो स्टैंड दिए गए हैं और यह है इसका रिमोट। और अनबॉक्सिंग होने के बाद आप देख सकते हैं इस एलईडी टीवी की मेन यूनिट सामने रखी है और साथ में दी गई है कुछ एक्सेसरीज। सबसे पहले हमें दिखता है इसका ऑपरेशन मैनुअल और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं एक QSG दिया गया है, क्विक स्टार्ट गाइड, एंड उसमें दी गई है सारी डिटेल्स। और उसके बाद एक ब्रोशर मिलता है जिसमें बताया गया है कि इस टीवी स्टैंड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर शेयर की है और इसका डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यह है इसका बैटरी और दी गई है 4 स्क्रूज़ टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए। और उसके बाद हमें मिलता है इसका रिमोट, कम्प्लीट डिटेल्स मैं वीडियो के आगे बताऊँगा। और ये है वो 2 स्टैंड जो इस टीवी के साथ फिक्स होगी। और यह है इस टीवी का बॉटम साइड और मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता दूं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेटर लिखा है R, इसका मतलब यहाँ पे R वाला टीवी स्टैंड फिक्स होगा। और टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे दी गई है स्लॉट, इस स्लॉट में वो फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हमें दिखता है इसका स्पीकर, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में टीवी स्टैंड को फिक्स करने की वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आपसे देखकर इस टीवी स्टैंड को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन दी गई है, इस बटन से आप इस एलईडी को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दी गई है इसकी दूसरी स्पीकर और लेटर L दिख रहा है, इसका मतलब है L स्टैंड यहाँ पे फिक्स होगा। और यह है इस टीवी स्टैंड को फिक्स करने के बाद इस एलईडी का फर्स्ट इम्प्रेशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एलईडी टीवी की बैक साइड व्यू। आप इस एलईडी टीवी को वॉल माउंट करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं वॉल माउंट को फिक्स करने के लिए स्लॉट दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एलईडी टीवी की अवेलेबल पोर्ट्स।
सबसे ऊपर दिखता है हमें डिजिटल ऑडियो आउट, उसके बाद दी गई है ऑडियो वीडियो इन, एंटीना पोर्ट भी दिया गया है, और उसके बाद मिलती है हमें 3 HDMI की पोर्ट, एक LAN पोर्ट एंड 2 USB 2.0 पोर्ट। आइए इसकी सारी डिटेल्स को जानने के बाद मैं आपको इस LED TV का डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करूं। मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है और इसे स्विच ऑन करने के लिए आप बटन, सेंटर बटन जो बॉटम में दी गई उसे यूज़ कर सकते हैं या इस रिमोट कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। यह है इसका रिमोट कंट्रोल और हमें मिलती है 3 डेडिकेटेड बटन्स फॉर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो, और यहाँ पर बैक बटन है, ये इसका नेविगेशन बटन, और ये पावर बटन है। सबसे लेफ्ट में जो दिखता है वो पावर बटन है और इसे कुछ इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं स्विच ऑन करने के लिए, और मैंने पावर बटन को प्रेस कर दिया है। और सबसे पहले हमें स्क्रीन पे दिखता है Realme TV, उसके बाद इसकी इनिशियल बूटिंग स्टार्ट होती है। इनिशियल सेटअप करने के लिए और इसके ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमें रिमोट से नेविगेशन बटन का यूज़ करना पड़ेगा और सेंटर में दी गई ओके बटन को यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट कर दें, और उसके बाद हमें इस रिमोट कंट्रोल की पेयरिंग करनी होगी LED के साथ। उसे पेयर करने के लिए हमें दो बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जो सेंटर में बटन दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं दो बटन हमें दिखती है, उस दो बटन को आप कुछ इस तरह से प्रेस कर दें और यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अवेलेबल ऑप्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर दें। और इसकी इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो चुकी है और मैंने स्टोर टाइप सेलेक्ट किया था, इसलिए आप लेफ्ट साइड में हमेशा कुछ डिस्प्ले देखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर वो अपीयर होगी, और अगर आप होम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होती। इस LED TV की पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी को दिखाने के लिए मैं डिश TV का सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और HDMI केबल के थ्रू उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने HDMI सेलेक्ट कर लिया है और डिश TV यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है और ये डिफ़ॉल्ट चैनल प्ले हो रहा है। इसकी सेटअप एंड यूजेस बहुत इजी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और सबसे पहले मैंने डिश TV सेटअप बॉक्स से वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया है और उसके बाद मैं इस LED TV की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करूँगा विथ वॉल्यूम बटन। सबसे बॉटम में जो हमें लेफ्ट साइड में दिखता है वो है इसका वॉल्यूम बटन, और वॉल्यूम को इस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है। पूरे महीने का रिचार्ज अमाउंट दिख रहा होगा, आप चाहें तो इस अमाउंट को बदल भी सकते हैं, साथ ही आपके ऑफर्स फॉर यू भी दिखेंगे। ऑफर पसंद है तो आप उसे चुन सकते हैं। आइए अब इसकी व्यूइंग एंगल आपको दिखा दूं। क्लिक करें, पेमेंट करने का तरीका चुनें, अपने बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालें और उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और बस आपका रिचार्ज हो गया। दूसरा आसान तरीका है डिश TV ऐप। पहले ऐप स्टोर से माय डिश TV ऐप डाउनलोड करें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, OTP को एंटर कर लॉग इन करें। इसके बाद आप जब भी ऐप इस्तेमाल करेंगे तो लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिचार्ज करना हो तो रिचार्ज नाउ का बटन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिचार्ज करना हो तो रिचार्ज नाउ बंधा रिश्ता क्या लेगा नया मोड़, नए एपिसोड के साथ देखिए गुड़िया हमारी। इस LED TV को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HDMI केबल। इसमें VGA पोर्ट नहीं दिया गया, इसीलिए हमें HDMI केबल का ही यूज़ करना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं मैंने इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी दिख रही है।
तो फ्रेंड्स, ये थी रियलमी कंपनी के 32 इंच LED TV की कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोस्ट्रेशन। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।